आप लोग जैसे कि सब जानते हैं 8-10 रोज पहले हमारे टीचर साहब को तकलीफ हुई, बीमार हो गए, वो उनको एडमिट करना पड़ा। हर मुसलमान ने अपने अपने तौर पे उनके लिए दुआ मगफिरत दुआ की, उनके लिए, उनके सेहत के लिए सब ने दुआ की। मगर बाद में सब मुसलमान, तमाम मुसलमानों का, तमाम हमारे अकोले के मुस्लिम समाज का पूरा ऐसा कहना हुआ कि हम इब्तदाई सब मिल के एक दुआ करेंगे। हम सब जानते हैं मुसलमान पिचर साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने भी 40 साल हम भी पिचर साहब के साथ रहे, मगर पिचर साहब ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ या जाति भेद का कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। कभी उन्होंने ऐसा जातियत में कोई तकलीफ़ परेशानी होंगी या कोई किसके दिल दुखेंगे ऐसा कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। सब तमाम मुसलमानों का उन्होंने हमेशा साथ दिया। जो बोलते हैं कि जाति जाति का, ऐसा उन्होंने कभी भी द्वेष किया नहीं। तो हम सब तहे दिल से मोहब्बत करते हैं, राजकारण अलग बात है, मगर हम सब मुसलमान उनको दिल से मोहब्बत करते हैं, उनका हम आदर करते हैं। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पुलिस लाइन में गौसे पाक के इसके अंदर दरगाह में जमा होकर हमने इब्तदाई सब पिचर साहब के सेहत के लिए, आफियत के लिए दुआ की। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए और फिर से कौम की खिदमत करने के लिए, अकोले की तमाम लोगों की खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला उनको फिर से तैयार करें। ये दुआ करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। ये आज 7-8 दिवसापासून आजारी आहे नाशिक येथे। आम्ही सर्व मुस्लिम बांधव एक जागी येऊन रसूल आजम जिलानी यांच्या दर्गेमध्ये यांना यांची प्रकृती सुधारो ही दुआ करून, आणि आमच्या मुस्लिम समाजातर्फे आमचा जे नेतृत्व करणारे आजपासून 40 वर्षापासून आमचे नेतृत्व करणारे पिचर साहेब, आमच्या नेतृत्वासाठी परत परमेश्वराने त्यांना उभं करावा हीच आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो व माझे दोन शब्द संपतो। ते आजारी असल्यामुळे त्यांना नाशिकमध्ये ॲडमिट केलं आणि एकदम म्हणजे सर्व समाजाला एकदम असं ओकं वाटायला लागलं, कारण पिचड साहेब म्हणजे नुसतं नाव नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा पिचड साहेब म्हणजे ब्रँडच आहे आणि ब्रँडच राहील। आम्हा सर्व मुस्लिम बांधवांची परमेश्वराकडे ही विनंती आहे की परत परमेश्वरांनी त्यांना उत्तम आरोग्य द्यावं आणि परत आपल्या अकोलेकरांचं नेतृत्व त्यांनी नव्या दामाने करावं हीच आमची सदिच्छा आहे।